दोस्तों, आज मानव जीवन में होने वाली लगभग 80% बीमारियां केवल कब्ज के कारण होती है। कब्ज पाचन तंत्र के उस स्थिति को कहते हैं जिसमें व्यक्ति का मल बहुत कड़ा हो जाता है तथा मल त्याग में कठिनाई होती है। कब्ज आमाशय की स्वाभाविक परिवर्तन की वह अवस्था है जिसमें मल निष्कासन की मात्रा कम हो जाती है, मल कड़ा हो जाता है, उसकी मात्रा कम हो जाती है, या मल त्याग के समय अत्यधिक बल का प्रयोग करना पड़ता है। सामान्य आवृत्ति और आमाशय की गति व्यक्ति विशेष पर निर्भर करती है। एक सप्ताह में 7 से 12 बार मल निष्कासन की प्रक्रिया सामान्य मानी जाती है। पेट में शुष्क मल का जमा होना ही कब्ज है। यदि इसका शीघ्र उपचार न किया जाए तो शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। तो दोस्तों, कब्ज को दूर करने के लिए एक बहुत ही अच्छी औषधि जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ वह है कायम चूर्ण। कायम चूर्ण कब्ज में कैसे काम करती है, पहले इसके घटकों के बारे में हम जानते हैं। इसमें है सेना, यह एक अच्छी दस्तावर औषधि है। इसकी छोटी आंत पर विशेष प्रभाव होता है। इसके सेवन के 6 से 10 घंटे बाद शौच साफ होता है। इसमें कुछ मरोड़ सी होती है जो संभवतः इसके पत्तों में रहने वाली इमोडिन के कारण होती है। इसे दूर करने के लिए इसके साथ मुलट्ठी या द्राक्षा का प्रयोग किया जाता है। जिनको कब्ज की शिकायत रहती है उन्हें इसको दिया जाता है। दोस्तों, इसका अगला घटक है काला नमक। यह भूख को बढ़ाता है, शौच साफ लाता है तथा बलवर्धक है। इसका प्रयोग यकृत वृद्धि, प्लीहा वृद्धि, पेट का फूल जाना, पेट में दर्द हो जाना, कुपचन हो जाना तथा अन्य आंतरिक बीमारियों में किया जाता है। अजवाइन, अजवाइन का उपयोग पेट दर्द, पेट का फूल जाना, पेट में गैस बन जाना आदि में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अजवाइन का प्रयोग शराबियों को शराब से छुटकारा दिलाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इसमें शराबी को शराब पीने की जब इच्छा हो उस समय इसे चबाने के लिए दिया जाता है। हर्रे, यह एक मृद विरेचक द्रव्य है। इससे किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। शरीर की सभी क्रियाएं इसके सेवन से सुधरती है। इसका उपयोग पुराना से पुराना बुखार, अतिसार, रक्तातिसार, बवासीर, नेत्र रोग, अजीर्ण, पांडुमेय लाभ करता है। पुरानी खांसी, बवासीर आदि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सज्जी खार शुद्ध। सज्जी खार तीपन, पाचक, मूत्रल, कफ निसारक, बढ़ी हुई एसिडिटी को दूर करने वाला औषधि है। इसके अलावा इसका उपयोग खांसी, श्वास रोग, कब्ज, पेट में दर्द हो जाना, पेशाब खुल कर न आना तथा गठिया आदि रोगों में किया जाता है। मुलेठी, यह मधुर, शीतल, बलकारक, रसायन यानी रोग नाशक तथा उम्र बढ़ाने वाला, कफ नाशक, स्वर को सुमधुर बनाने वाला, नेत्रों की ज्योति बढ़ाने वाला, सूजन को दूर करने वाला तथा घाव को भरने वाला है। दोस्तों, इसके प्रयोग से पेशाब की जलन दूर होती है। यह एसटी मधु का प्रयोग गले में सूजन, ब्रांकाइटिस आदि में भी किया जाता है। इसके घटकों से आपको पता चल गया होगा कि सचमुच यह कितनी लाभदायक औषधि है। इसका उपयोग पुरानी कब्ज, एसिडिटी, सर दर्द, आँखों का जलना, हाथ पैरों में जलन, त्वचा रोग, छाती में जलन और पित्त विकारों के लिए काया चूर्ण बहुत फायदेमंद है। रात को सोते समय लेने से सुबह पेट साफ हो जाता है और सारा दिन ताजगी और स्फूर्ति देता है।
मात्रा इसको आधा चम्मच से लेकर के 2 चम्मच तक गर्म पानी से रात को सोते समय लें। व्यक्तिगत परिणाम बदल सकते हैं, मात्रा के मुताबिक अनुकूल हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान इसकी सेवन की सिफारिश नहीं की जाती।